व्हाट्स अप। सो आज के वीडियो में मैं बात करूंगी जॉब अपॉर्चुनिटीज को कैसे हम ग्रैब कर सकते हैं, कैसे हम अच्छे जॉब इंटरव्यूज को क्रैक कर सकते हैं। ओके, सो बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट फेस। ठीक है, मैं भी जब CA बनी थी तो उसके बाद देर वॉज अ क्वाइट लॉन्ग टाइम जब मैंने काफ़ी सारे जॉब इंटरव्यूज दिए थे, और मैं ऐसा भी बहुत लंबा एक टाइम था जब इनिशियली मेरे जॉब इंटरव्यूज बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाते थे। एंड आई रियलाइज कि देर इज़ समथिंग दैट आई नीड टू फिक्स इन माई सेल्फ, एंड मे बी आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट और वट एवर। सो काफ़ी सारी लर्निंग्स थी मेरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो मैंने नवंबर 2017 में CA एग्ज़ाम्स क्लियर करे थे, एंड मुझे ऐसा लगता था कि मैं कम्युनिकेशन में अच्छी हूँ, मैं इंग्लिश में अच्छी हूँ, तो फिर मैं अपने इंटरव्यूज क्रैक कर लूँगी एंड ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और मैं यही सोच करके बिना कुछ प्रिपेयर करके, मतलब मैं बस ऐसे ही जॉब इंटरव्यू देने चली गई। सो आई थिंक दैट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू, और उसमें क्या था कि बिग फोर के लिए था, एंड पहले ग्रुप डिस्कशन होना था एंड उसके बाद जॉब इंटरव्यू था। ठीक है, मैं तो ये सोच के गई थी कि जॉब इंटरव्यू में तो वन टू वन में जो ऑब्वियसली जो सिलेबस से पढ़ा होगा वही पूछा जाएगा, वो तो मैं बता ही लूँगी, और बाकी कम्युनिकेशन में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई मैं क्रैक कर लूँगी। ठीक है, अब वहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन था। ठीक है, उस पर भी आई वॉज कॉन्फिडेंट कि चलो ठीक है, कम्युनिकेशन में तो कोई टेंशन नहीं है, मैं कर लूँगी। तो अब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ, हमें कोई टॉपिक मिला था, और अब था तो यही कि ठीक है मैं जल्दी से बोल दूंगी, बट एक तो जो टॉपिक मिला था उसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं था, जनरल नॉलेज से रिलेटेड था, और दूसरा उस टाइम पे मेरे मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं पहले तीन लोगों में जा करके कुछ बोलूँ, क्योंकि मुझे टॉपिक का इतना नॉलेज था ही नहीं। ठीक है, और मैंने बोला भी तो आई थिंक देयर वाज जस्ट एक लाइन या दो लाइन मैं बोल पाई थी, वो भी टुवर्ड्स द एंड, सो दैट इज़ ऑल आई कुड डू, और मैं ग्रुप डिस्कशन में ही बाहर हो चुकी थी। सो मतलब मैं वो कॉन्फिडेंस लेके गई थी कि मैं जॉब इंटरव्यू क्रैक करूँगी, और मैं ग्रुप डिस्कशन में जो 60-70% लॉट बाहर हो जाता है मैं उसी में बाहर हो चुकी थी। और ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ, मतलब ऐसा एक बार ही नहीं था, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपने फ्री टाइम पे एक्चुअली इस चीज़ पे थोड़ा काम करना चाहिए था, दैट आई हैड टू प्रिपेयर फॉर माय जॉब इंटरव्यूज एंड फोकस ऑन कि क्या पूछा जा सकता है एंड मुझे उसको कैसे टैकल करना है। सो ये चीज़ें हम बहुत से लोग मिस करते हैं, बिकॉज हम MBA नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली हमें ये सब चीज़ें पहले से सिखाई नहीं जाती है। GMCS में एक दो डेमो सेशंस में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, विच इज़ नॉट इनफ। ठीक है, सो देर आर थ्री थिंग्स, जब भी आप कोई जॉब इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो, तीन अलग अलग स्टेजेस हो सकते हैं उसमें। ठीक है, या तो आपका रिटन टेस्ट हो सकता है, या तो आपका ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, या तो फिर आपका ऑब्वियसली जो लास्ट होता है वो जॉब इंटरव्यू होता है, दैट इज पर्सनल वन टू वन सेशन होता है। ठीक है, अब कई जगहों पे पहले रिटन टेस्ट होता है, फिर GD होता है, फिर इंटरव्यू होता है, कई जगहों पे खाली GD और इंटरव्यू होता है, कई जगहों पे डायरेक्टली इंटरव्यू होता है। ठीक है, जब मैं इंटरव्यू बोलती हूँ तो देर कैन बी मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यू, देर कैन बी टू राउंड्स ऑफ इंटरव्यू एंड देर कैन बी 3-4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू एज वेल। ठीक है, कुछ जगहों पे सिर्फ इंटरव्यू भी होता है। तो ये हो गई हमारी चीज़ें। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ हमारा रिटन टेस्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमारा रिटन टेस्ट होता है वो लॉजिकल रीजनिंग, या फिर जो हमारा सिलेबस रिलेटेड चीज़ें होती है, या फिर कुछ मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, या फिर कुछ GK रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, तो इन्हीं सब चीज़ों का मिक्स एंड मैच होकर के आता है। ठीक है, तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपको रिटन टेस्ट के लिए क्या प्रिपेयर करना चाहिए, तो स्पेसिफिक नहीं होता है। ठीक है, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी आपकी किस चीज़ को टेस्ट करना चाहती है। कोई कंपनी हो सकता है अपनी आपकी टेक्निकल नॉलेज को टेस्ट करना चाहे, कोई कंपनी हो सकता है आपकी लॉजिकल रीजनिंग को टेस्ट करना चाहती है, मैथमेटिकल स्किल्स को टेस्ट करना चाहती है, या आपका ब्रेन कितना अटेंटिव है, या फिर आपका ब्रेन कितना एनालिटिकल है, उस चीज़ को टेस्ट करना चाहती है। तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप रिटन टेस्ट के लिए एज सच कुछ इतना प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, यू कैन जस्ट रिफ्रेश योर सिलेबस, दैट इज ऑल दैट यू कैन डू। ठीक है, अब आते हैं ग्रुप डिस्कशन पे। मैं तो काफ़ी ग्रुप डिस्कशन से पर्सनली बाहर निकली हूँ। ठीक है,
क्योंकि मेरी जीके उस टाइम पे तो इतनी अच्छी थी नहीं, बिकॉज पूरा टाइम मेरा पढ़ाई पे जाता था. सो आई वॉज नॉट सो मच इन टू जनरल नॉलेज, या फिर मैं न्यूज़ पढ़ूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा रीडिंग करूँ, तो नहीं था उतना वो, ठीक है. बट मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो होना चाहिए था. सो मैं क्या करती थी, काफ़ी उसके बाद जब रियलिटी स्ट्रक हार्ड, तो मैंने काफ़ी टाइम अपना इस चीज़ पे डिवोट किया कि जो भी करंट टॉपिक्स हैं, जो भी करंट अफेयर्स हैं, जनरल नॉलेज रिलेटेड चीज़ें, मैंने उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया. क्योंकि अभी जैसे ग्रुप डिस्कशन अगर होता है, तो कुछ भी रिलेटेड टू कोविड हो गया या फिर क्रिप्टो करेंसी हो गया, कोई भी जो उस टाइम का करंट जो टॉपिक होता है ना, उससे रिलेटेड जनरली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. एक जो सबसे बड़ा मेरे को लगा कि दैट वाज रियली हेल्पफुल, एक वेबसाइट आती है ग्रुप डिस्कशन ideas.com करके, मैं लिंक एक बार ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दूंगी. दैट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल. उसमें ना हर टाइप के टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे. अगर आपको टेक्निकल टॉपिक्स देखने हैं, अगर आपको करंट अफेयर्स देखने हैं, आपको जनरल नॉलेज रिलेटेड टॉपिक्स देखने हैं, आपको किसी भी टाइप के टॉपिक्स देखने हैं, और उसमें इनफैक्ट टॉप 50 या टॉप 100 ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स भी आते हैं. मैंने जितने भी ग्रुप डिस्कशंस करे थे ना, मोस्टली मेरे को ऐसा लगा कि उन्हीं में से टॉपिक्स पूछे गए थे. मतलब कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड आपसे पूछ ही लिया जाता है ग्रुप डिस्कशन में. सो मैंने वो साइट बहुत अच्छे से, मतलब मैंने उसके टॉपिक्स पढ़े थे, उसके पॉइंटर्स समझे थे, उसके पॉइंटर्स बनाए थे, और वो एक्सरसाइज मैंने करी थी. उसके बाद जब मैं कैंपस में गई थी, सीए कैंपस में, तो मैंने चार जगह दिया था और चारों जगह मेरा ग्रुप डिस्कशन क्लियर हुआ था बिकॉज ऑफ दैट एक्सरसाइज दैट आई डिड. ठीक है. सो ग्रुप डिस्कशन के लिए गाइस तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सबसे पहला तो कंटेंट की नॉलेज होना, ठीक है. दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी कम्युनिकेशन, ठीक है. आपकी कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए. सो कंटेंट हो गया, फिर कम्युनिकेशन हो गया, और फिर लास्टली आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है. सो कम्युनिकेशन, कंटेंट एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है. ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर सामने से जो बंदा आपको देख रहा है, एक बंदा है जो काफ़ी हाथ पांव कांप रहे हैं और स्टैमर कर रहा है और बोल रहा है, और दूसरा बंदा है जो काफ़ी कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली द कॉन्फिडेंट पर्सन विल बी द फोकस पर्सन फॉर मी एज अ जज, ठीक है. और एक बंदा जिसको कंटेंट की नॉलेज नहीं है वर्सेस दूसरा बंदा जिसको कंटेंट की नॉलेज है, ठीक है. एक बंदा जो कि अपनी चीज़ों को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा. अब जब मैं कम्युनिकेशन बोलती हूँ गाइज, प्लीज़ डोंट थिंक कि मैं ये बोल रही हूँ कि आपको इंग्लिश अच्छे से बोलनी आती है, ठीक है. नहीं, आप अपनी चीज़ों को कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, ठीक है. अब यार देखो, मैं आई बीइंग एन इंटरव्यूअर और अ जज फॉर अ ग्रुप डिस्कशन, आई विल नॉट थिंक कि भाई इसको अंग्रेजी नहीं बोलनी आती तो मैं इसको नहीं चूज़ करूँगी, ठीक है. अगर तुम्हें अच्छी नॉलेज है कंटेंट की, तुम उसको अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हो, ठीक है, तो फिर यू विल बी द पर्सन आई विल सिलेक्ट, ओके. सो इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती तो फिर मुझे सिलेक्ट नहीं किया जाएगा. या तो भाई तुम अपनी इंग्लिश सुधार लो, ठीक है, या तो उसके बारे में परेशान होना छोड़ दो, ठीक है. बट इफ़ यू आर, आई मीन यू हैव ट्राइड योर बेस्ट एंड यू नो हाउ टू कम्युनिकेट ओके मैनर इन इंग्लिश, देन इट्स फाइन, ठीक है. अब हम आते हैं अपने इंटरव्यू पे, ठीक है. जनरली दो राउंड्स होते हैं, एक एचआर राउंड होता है और एक टेक्निकल राउंड होता है, ठीक है. टेक्निकल राउंड में आपके सिलेबस से ही रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है. आपकी ऑब्वियसली सीवी से ही रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है. आपने आर्टिकलशिप में क्या किया है उसी के अराउंड अपना सीवी पे अपना होल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, पहली चीज़, ठीक है. सेम तीन चीज़ें जो कि ग्रुप डिस्कशन में मैंने बोली थी, वही चीज़ें यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट होती है. आपका कंटेंट, आपका कम्युनिकेशन और आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है. कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा देखा जाता है इंटरव्यू में कि आप किस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो. यार अगर आपके सामने वाले बंदे ने, इंटरव्यूअर ने अगर आपसे कोई ऐसी चीज़ पूछी है जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है या फिर आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से रिलेटेड नहीं है, तो अगर आपको नहीं आती है तो देन आई थिंक दैट्स फाइन. और आप बहुत कॉन्फिडेंटली सामने उसको बोल सकते हो कि आई एम सॉरी आई डोंट नो दिस एंड आई थिंक दैट इज़ टोटली फाइन, ठीक है. उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. मतलब आपसे कोई ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि आपको दुनिया की हर चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है. आपसे एक्सपेक्टेशन ही होती है जो आप लिख के आए हो,
कि ये इस चीज में मेरा एक्सपीरियंस है, आपको वो पता होना चाहिए, जो आप पढ़ के आए हो आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है, और आप अपनी बातों को अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो और आप कॉन्फिडेंटली उनके सामने चीजें कर पा रहे हो या बोल पा रहे हो, ठीक है. सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑफकोर्स ऑन टॉप ऑफ इट, कीप स्माइलिंग, बी जेंटल, ठीक है, ये सब छोटी मोटी चीजें भी बहुत ज्यादा. एंड ड्रेस वेल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑलवेज वेयर अ स्माइल, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. एक चार्मिंग पर्सनैलिटी, मतलब ऑब्वियसली एक उनको लगनी चाहिए, ठीक है. अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत अच्छा दिखना चाहिए या आपको बहुत मेकअप करके जाना चाहिए, नहीं, ठीक है, मतलब यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो दीज आर द थ्री थिंग्स विच आई थिंक यू शुड टेक केयर ऑफ. अगर आप अभी फ्री हो, आपके पास टाइम है, देन गाइस स्टार्ट रीडिंग थिंग्स, गोइंग थ्रू ग्रुप डिस्कशन आइडियाज, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज देने की कोशिश करो. जनरल जो इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, why would we hire you, या फिर आपको इस कंपनी में क्यों आना चाहते हो, एंड why do you want to do statutory audit, why do you want to do internal audit, why do you want to choose this profile, ये सब जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं ना, या फिर why do you want to choose our company, ये सब तो जरूर से प्रिपेयर कर ही लो, ठीक है. या फिर कुछ और कॉमन क्वेश्चंस बता देती हूँ, ये भी होते हैं कि भाई आपको 4 अटेम्प्ट क्यों लग गए, आपको 5 अटेम्प्ट क्यों लग गए, और आपने इतना टाइम किया, बार बार क्यों फेल हो रहे थे, ठीक है. ये सब भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फिर उसके बाद ये भी पूछे जाते हैं, आप शुरू से एक अच्छे परफॉर्मर थे, फिर आपको एकदम से ऐसा क्या हो गया कि आप फेल होने लग गए, ठीक है. तो ऐसे भी टाइप के कुछ, मतलब ऐसे प्रिकी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो कि आपको दर्द दे सकते हैं, लेकिन ठीक है यार, मतलब फेल हुए तो हुए, मतलब हर चीज़ एक बार में थोड़ी होती है, तो ठीक है. सो जो भी पूछा जाए, बस कॉन्फिडेंट रहना. इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स इन लाइफ, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस, ठीक है. सो गाइज दैट वॉज ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक्स एंड बाय बाय.